Hello guys, welcome to the analysis video of tomorrow's momentum one day cup matches. Two matches hone hain kal, unme se ek match ki analysis ye multiply titans aur imperial lions ke beech mein, matlab lions ki team jo hai. To isse pehle ki is match ki analysis start kar ek baar jaan lete hain aaj ka results kaisa gaya tha. Agar aapne aaj ka match khela hoga, jaisa kaha tha, matlab team se leke shuru hoke jo team announce kari thi dono hi teamon ne, उसको लेके शुरू कर उसको से अगर शुरू करें या फिर मैच के रिजल्ट के या फिर जो भी बॉलर्स जिस तरह के अच्छे गए थे, जो बैट्समैन, सारी चीज़ें हमारी एकदम पिन पॉइंट रही थी. स्पिनर्स का डोमिनेशन कहा था, पैट्रिक क्रूगर हमारे बहुत बड़े पंट थे और मेरा जीएल भी मिस हो गया था सिर्फ थोड़ी सी इधर उधर करने की वजह से. आपने देखा इसके सिवा मिडिल ऑर्डर में कोबड़ा की बैटिंग आती है, वो सारी चीज़ें सही गई. जैक स्मिथ हमारे लिए सेफेस्ट कैप्टन चॉइस सही रहे थे. सिर्फ जोनाथन बर्ड बैटिंग से नहीं चले और बॉलिंग को जब तक करने आए थे तब तक बहुत लेट हो चुका था, नहीं तो सारी चीज़ें एज इट इज़ थी. तो बहुत ही बढ़िया गया था. तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस. मैच होने जा रहा है बहुत ही फेमस वांडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में, जो कि लायंस का होम ग्राउंड है. पिछले 5 मैचों की बात करें तो अभी भी टाइटन्स 3-2 से आगे चल रही है, डिस्पाइट दैट कि लायंस अपना आखिरी मैच जीती थी. और इस वक्त टाइटन्स बहुत ही ख़राब हाल में चल रही है, स्पेशली उनकी बॉलिंग, स्पेशली नहीं उनकी बॉलिंग ही बहुत ही ख़राब चल रही है. बैटिंग से तो वो हमेशा ही 300 के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन बॉलिंग हद ज़्यादा ख़राब चल रही है उनके लिए. तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है. ये दोनों ही टीमों के पास बैटिंग फायर पावर है, ये आपको पता ही होगा. टाइटन्स की टीम में मार्क रम, टोनी डिजॉर्जी, इलगार, पिछले मैच में डुप्लेसी खेले थे, डी ब्रॉयन जैसे बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं. वैसा ही टाइटन्स की टीम लायंस की टीम में भी है, रीज़ा हेनरीज, डोमिनिक हेनरीज, रिगल्टन, पहले बभूमा खेलते थे, टसन खेलते थे. तो बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं दोनों टीमों के बैटिंग में और यही आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा. तो आप देखते रहो, ये जो आखिरी मैच हुआ था लायंस ने बनाया था 305, रिकल्टन के रन थे, बबूमा डसन के रन थे, विकेट्स गिरे 10. लायंस टाइटन्स चेज नहीं कर पाई, 232 पर सिमट गई थी, विकेट्स गिरे यहाँ पर भी 10. उसके बाद 304 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर. टाइटन्स चेज फिर से नहीं कर पाई लेकिन काफ़ी आगे तक पहुँचे, 297 तक, 8 विकेट यहाँ पर भी गिरे. तो आखिरी दो मैच, इवेंट आखिरी 3 मैच यहाँ पर 309 बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, 311 बहुत ही आराम से चेस कर लिया. मतलब आखिरी 3 मैच में ही हम देख पा रहे हैं बहुत हाई स्कोर्स बने हैं. एक में टाइटन्स का थोड़ा रन्स कम बना 232, बाकी हर मैच में ही बहुत ही ज़्यादा रन्स बने हैं और विकेट्स भी काफ़ी गिरे हैं इस एक इनिंग्स को छोड़कर, जहाँ पे 2 विकेट गिरे थे, बाकी सब में ही 7, 10, 8 ऐसे विकेट्स गिर रहे हैं. ये एक लौता मैच है इस फिक्स्चर में जहाँ पे बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जहाँ पे शमशी ने लीड करा था, टाइटन्स ने चेज़ कर लिया. उसके बाद से यहाँ पे देखो 264 चेज़ नहीं हुआ, 415 बना, ठीक है वो भी चेज़ नहीं हुआ था, लेकिन 33 ओवर्स में 246 तक बन गया था. मतलब समझ आ रहा है हमको कि एक बैटिंग फायर हाउस है दोनों ही टीमें और उसी के इर्द गिर्द ही हमें सारी चीज़ें घूमती हुई दिख रही है. एक ही मैच हुआ था जहाँ पर लायंस की बैटिंग को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, 176 पर सिमट गए थे. तो बाकी सारी जो हम मैचेस देख रहे हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग रहे हैं. ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी इसी ग्राउंड पर, 264 बना था टाइटन्स ने जो कि चेज़ नहीं हुआ था. उसके ये देखो 2018 वाला मैच है ये, ठीक है, और 2017 में देखो 415 बना दिया था टाइटन्स ने, जहाँ पर मार्क रम ने बहुत बड़ा शतक लगाया था. लायंस ने भी अच्छा ही चेज़ करा था, मतलब रन्स काफ़ी कम बने थे लेकिन 33 ओवर्स में 246 बना दिया था इन्होंने भी. तो ये है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको आगे समझाऊँगा. ये समय को याद रखना, ये हुआ था 2017 में और ये हुए हैं 2018 में. और बाकी जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको जोन ऑफ स्कोर समझ में आ रहा है, लायंस के लिए आप देखो रिकल्टन ओपनिंग से, बभूमा डसन, उसके बाद टाइटन्स के लिए डेविड्स ओपनिंग से, डेब्रॉयन ओपनिंग से, क्लासेन मिडिल ऑर्डर से, टाइटन्स के लिए फिर से देखो वेंडियार ओपनिंग से, एलगार पहले जो ओपनिंग करते थे, उसके बाद यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से रपुलाना, मल्डर, लुब्बे लायंस की तरफ से, उसके बाद फिर से टाइटन्स की तरफ से एलगार टॉप ऑर्डर से रन, मतलब टॉप 3 में से आप समझ सकते हो, और लायंस की तरफ से फिर से मिडिल ऑर्डर से यहाँ पर रपुलाना, बभूमा डसन के रन. यहाँ पर एक बैटिंग कोलैप्स हो गया, यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर भी टाइटन्स की तरफ से ओपनिंग के रन, यहाँ पे टाइटन्स की तरफ से फिर से ओपनर्स के से रन और मिडिल ऑर्डर से कुछ रन आए, लायंस की तरफ से फिर से ओपनर्स के रन नहीं और मिडिल ऑर्डर से रन बने. आखिरी जो बड़ा मैच था यहाँ पर भी टाइटन्स की तरफ से दोनों बड़े शतक लगे ओपनिंग से, लायंस की तरफ से फिर से ओपनिंग से रन नहीं और मिडिल ऑर्डर से रन नहीं बने. मतलब एक ट्रेंड सा यहाँ पर बना हुआ है कि टाइटन्स के लिए उनके टॉप 3 में से बहुत स्कोर्स बने हैं,
ठीक है, वैसे भी हम देख रहे हैं इस फिक्सचर में बहुत स्कोर बना है, लेकिन टाइटंस के लिए उनके टॉप थ्री बेसिकली बहुत बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं, शतक भी लगाया है, 150 के ऊपर भी स्कोर बने हैं। लेकिन लायंस की तरफ से ना ओपनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही है हमेशा, ठीक है। पिछले मैच में हालांकि डिकल्टन ने अच्छा करा था, एक बंदे का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है लायंस की तरफ से, बहुत ही बड़े नाम का, जिस कारण उनके ओपनिंग से बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं आए हैं और काफ़ी नीचे तक बैटिंग को ले जाना पड़ा है, और इसीलिए मिडिल ऑर्डर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आया है लायंस की तरफ से, ठीक है। आखिरी जो दो फोर्थ डे मैचेस हुए थे वहाँ पर जो कॉमन प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से क्लासन जो कि अवेलेबल नहीं है, मोथोवा, कॉर्बिन बॉश, डियन गैलियम, थॉमसन, कार्टराइट सब रहे हैं। लायंस की तरफ से वैंडनबर्ग, हॉकन और फर्चविन। हेड टू मैचेस के रिकॉर्ड की बात करें तो टाइटंस के होकर वही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो एलगार्ड दो मैच उन्होंने खेला है, और भी बहुत सारे नाम होंगे जो कि खेले होंगे एक आध मैच में बड़े इनिंग्स, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली उस तरह से नाम नहीं है। एलगार के दो इनिंग्स हैं और दोनों ही बार उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, एक में 137, एक में 62। बाकी हिस्टोरिकली बिहार डीन क्लासन ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं तो उन्हीं के नाम हैं। लायंस के होकर डोमिनिक हेनरिक्स का कुछ हद तक नाम है और सामने वेंडर डसन का भी, लेकिन उस तरह से कॉन्सिस्टेंटली जैसे मैंने बताया कि काफ़ी प्लेयर शफल्ड हुए हैं तो नाम उस तरह से नहीं है। एक प्लेयर का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड यहाँ पे है और वो है रिजा हेनरिक्स, ठीक है। सिर्फ 24 का औसत है, आखिरी मैच पर भी उन्होंने रन नहीं बनाया है। लेकिन याद रखना यहाँ पे टाइटंस की बॉलिंग की बात हो रही है जो कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो गलती से भी ये गलती मत कर देना कि रिजा हेनरिक्स को स्मॉल लीग में ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन बड़ी लीग में आप एक ट्राई जरूर कर सकते हो, इनके फॉर्म उतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये कल मैच में खेलेंगे भी या नहीं इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। वैसे आगे मैं बताता हूँ उसके बारे में। टाइटंस के होकर जूनियर डाला और तबड़े सामसी के नाम है। जूनियर डाला के एवरेज उतने अच्छे नहीं है, सामसी के भी उतने अच्छे नहीं है, जाहिर सी बात है क्योंकि इस फिक्सचर में काफ़ी रन्स बनते हैं, लेकिन फिर भी विकेट टेकिंग के मामले में ये दोनों आगे रहे हैं। ग्राउंड में जो दो नाम है वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ग्राउंड के बारे में एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, हिस्टोरिकली इस ग्राउंड पर लायंस की टीम पिछले साल तक एक भी मैच जीती नहीं थी, ठीक है। इस सीज़न में हालांकि एक मैच जो खेले हैं वहाँ पर वो जीत हासिल करी थी उन्होंने वॉरियर्स के अगेंस्ट में, लेकिन पिछले साल तक 6 मैच टोटल खेले हैं जहाँ पर एक भी जीत उनको दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड्स भी आप देख पा रहे हो, इंडिविजुअली रिकॉर्ड काफ़ी कम है। जो फोर्थ डे मैचेस हुए थे ये तीन मैचेस हुआ था, तो वहाँ से जो कॉमन प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं वहाँ पर डोमिनिक हेनरिक्स, डेलानो पोर्टगाइटर, प्रिटोरियस, इनके नाम आपको दिख जाएंगे जो कि इस ग्राउंड में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इन नामों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रिटोरियस अवेलेबल नहीं है, जोशुआ रिचर्ड्स भी अभी तक नहीं खेले हैं, तो हेनरिक्स और डोमिनिक हेनरिक्स पोर्टगाइटर। तो हेड टू हेड से हमें क्या क्या देखने को मिला है आपने यूटिलाइज़ कर लिया होगा। अभी मैंने दो डेट आपको दिखाया था, ठीक है। एक है 2018 वाला मैच जब ये लायंस और टाइटंस की टीम जोहानसबर्ग में भिड़ी थी, और सेम ही ग्राउंड पे भिड़ी थी दोनों टीमें जब 2017 का मैच हुआ था। 2018 वाले मैच में क्या हुआ था, 264 तक रन बनाया था टाइटंस ने, वो चेज़ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 2017 में चला गया 415 बनाया था टाइटंस ने, चेज़ तो नहीं हुआ था लेकिन 33 ओवर्स में 240 के ऊपर स्कोर खड़ा कर दिया था लायंस वालों ने, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ट्रांजिशन है, मतलब 2017 में इतना ज़्यादा रन बना है और 2018 में रन्स कम बने हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जी हाँ, ऑफ लेट यहाँ पे रन्स काफ़ी कम होते हुए आ रहे हैं जोहानसबर्ग में, मतलब चेज़ हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, चेज़ हो जाते हैं लेकिन 280 के ऊपर भी चेज़ नहीं होता है यहाँ पे, 280 के नीचे स्कोर चेज़ हो जाते हैं। पेसर डोमिनेशन कॉन्सिस्टेंट है, पेसर ही बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, मतलब विकेट्स ही पेसर ही लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्पिनर्स में से अगर आपको देखना है तो लेग स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, और दोनों टीमों के में से एक लेग स्पिनर है जिनके बारे में मैं आपको गौर करवाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। और बाकी रन्स यहाँ पे कम ही बनते हैं और विकेट्स भी काफ़ी गिरते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट टीम के। तो देखते रहो, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल मैच था, श्रीलंका ने 231 बनाया जहाँ पर पेसर के 5 विकेट, लेग स्पिनर के 3, साउथ अफ्रीका ने चेज़ कर लिया। उसके बाद 256 बना साउथ अफ्रीका के ही यहाँ पे, स्पिनर्स में से लेग स्पिनर के 3 विकेट, चेज़ हो गया। वैसे 8 विकेट यहाँ पर भी गिरे, 7 विकेट यहाँ पर गिरे। उसके बाद एक बैटिंग कोलैप्स, ठीक है, पेसर ने लीड किया, साथ में लेग स्पिनर्स के 2 विकेट, चेज़ हो गया। लोअर डिवीज़न क्रिकेट में देखो 204 चेज़ हो गया, पेसर के विकेट साथ में लेग स्पिनर्स के विकेट, 160 पे ऑल आउट हो गई, फिर से पेसर ने लीड करा, फिर से चेज़ हो गया। 222 पर सिमट गई, फिर से पेसर्स के विकेट वो ज़्यादा और स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट रहे हैं। अभी मोमेंटम वनडे कप की मैच की बात करें तो देखो 281 बना, 9 विकेट फिर भी गिरे, और जहाँ पर पेसर और स्पिनर के बराबरी के विकेट से चेज़ नहीं हुआ यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा ज़्यादा रन जहाँ पर बन गया वहाँ पर चेज़ नहीं हुआ,
275 बड़े ही आराम से यहाँ पे चेज नहीं हुआ था, और 188 पर सिमटा दिया था नाइट्स को। यहाँ पर आखिरी जो मैच हुआ था 39 ओवर का मैच हो गया था, 254 बने थे, ठीक है, और वारियर्स चेज नहीं कर पाई थी। तो बेसिकली आप देख ही पा रहे हो कि रन्स यहाँ पे काफ़ी कम हुए हैं। हम पहले जो जोहानिसबर्ग को देखते थे, और आपने भी हेड टू हेड में देखा 2017 वाला एक मैच जहाँ पे 415 भी बने हुए हैं, अभी ये ग्राउंड काफ़ी लो स्कोरिंग हो चुका है। काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे रन्स बनाना, और विकेट्स भी बराबर के गिरी रहे हैं। पेसर डोमिनेशन कंसिस्टेंटली है साथ में, लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हो तो। स्मॉल लीग में आपको बैटिंग हैवी करके ही चलना है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा बैट्समैन आके रन बना देगा। वैसे भी दोनों टीमों के स्ट्रेंथ है बैट्समैन, लेकिन बड़ी लीग में इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। टाइटंस की टीम ने पिछले मैच में खेले थे डुप्लेसी, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कल के मैच में नहीं खेलेंगे। श्योरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है। तो अगर तो वो नहीं खेलते हैं तो वो जिसको पिछले मैच में रिप्लेस करा था उन्होंने, फरहान बिहारदीन, वो डायरेक्टली आ जाएंगे। और अगर वो खेलते हैं तब तो वो खेलेंगे, आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि दोनों टीमों को मिलाकर एक लेग स्पिनर अवेलेबल है, और उनका नाम है डिएगो रोसियर, ठीक है। अभी बैटिंग से काफ़ी नीचे आ रहे हैं, अगर फिर से वो बैटिंग डोमिनेशन वाला चीज़ हुआ, ऊपर से रन्स बने, तो हो सकता है उनके पास प्रॉपरली बैटिंग ना आए। लेकिन ये बंदा डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहा है, बैटिंग से भी आपने देखा ही होगा अभी तक उन्होंने एक शतक लगाया है ऑलरेडी, और बॉलिंग से भी काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट उन्होंने निकाले हैं। पिछले मैच में भी उनको प्रॉपरली बॉलिंग मिली थी 3-4 ओवर की, ठीक है। और ये एक लेग स्पिनर है, और हम पिच से देख पा रहे हैं लेग स्पिनर यहाँ से खाली हाथ नहीं चलते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। दूसरे एक डाउट के जगह पर हैं, और वो है जूनियर डाला। पिछले मैच में उनको इंजरी हो गई थी, 3 ओवर 5 गेंद उन्होंने गेंदबाजी करवाया था शायद, उसके बाद से उनको गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला था। और ये मतलब एक दिन पहले का ही मैं बात कर रहा हूँ, कल वाला जो मैच हुआ था। तो हो सकता है जूनियर डाला भी कल के मैच में नहीं खेले, इसके लिए तैयार रहना। अभी कौन आएंगे पता तो नहीं, क्योंकि स्क्वाड कोई अनाउंस नहीं करा है, लेकिन डेयान गैलियम उनके आने से पहले टीम के मेन पेसर हो रहे थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। अब क्योंकि टाइटंस की टीम हमेशा नाम के पीछे जाती है, तो उनको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन वो अगर आते हैं तो ऑब्वियसली टाइटंस की बॉलिंग बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर भी हैं। लायंस के होकर भी चेंजेस होने के चांसेस हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स भी मेरे ख्याल से कल के मैच में आपको शायद ना दिखें, जैसे कि नहीं देख सकते हैं बियॉन्ड फॉर्च्यून, तो ये दो चेंजेस हो सकते हैं। अभी इन्होंने भी स्क्वाड कोई अनाउंस नहीं करा है, तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई नया प्लेयर आता है तो टीम सर्वेंस सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, या फिर जो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पिंड कमेंट होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अगर कोई लास्ट मिनट अपडेट आता है तो वहाँ पर अपडेट भी कर दी जाएगी, और स्मॉल लीग टीम भी अपडेट होती है वहाँ पर। समराइजेशन स्किप करते हैं, क्योंकि ये यही चीज़ें जो मैंने अभी तक बताया है पूरे वीडियो में, वही यहाँ पर छोटा करके लिखा हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मार्करम सारी लोगों के कैप्टन चॉइस में होंगे, ठीक है, प्रॉपरली बॉलिंग से विकेट भी रेगुलर निकाल रहे हैं, ओपनिंग कर भी रहे हैं, और आपने देखा है एक मैच में उन्होंने धमाका मचाया हुआ है। और वैसे भी हम देख ही पा रहे हैं कि टाइटंस के टॉप ऑर्डर से रन्स बन रहे हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी सेफ पिक हो जाते हैं कैप्टनसी के लिए। एल्गार बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स है, पिछले मैच में भी रन बनाया है उन्होंने, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा रहे हैं। टोन डिजॉर्ज ही थॉमसन में से कोई एक रिस्क में जाना है, तो डेब्रॉयन अगर खेलते हैं तो, नहीं तो रोसियर इंपॉर्टेंस काफ़ी होगा। बाकी कितना विकेट लेंगे और उनसे ज़्यादा कोई लेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ बॉलिंग से इनको प्रॉपरली मौके कल के मैच में मिलने चाहिए। और डुप्लेसी अगर खेलते हैं तो लायंस के होकर रीज़ा हेंड्रिक्स रिकल्टन सेवन स्ट्रिप में होंगे, उसके बाद निकी वैंडनबर्ग और विलम लुब्बे, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो डेलाना पोर्टबैटर और डोमिनिक हेंड्रिक्स में से कोई एक। अभी एक बार देख लेते हैं जीवन की टीम। अभी देखो ये एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है, मैं चाहता था एक बैटिंग हैवी कॉम्बिनेशन बनाने की, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा बैटिंग हैवी नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑफलेट यहाँ पे रन्स काफ़ी कम हो रहे हैं पिच पे, और पेसरों का काफ़ी अच्छा रोल रह रहा है, तो कोई भी पेसर ऑलराउंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेलानो पोर्टबैटर लायंस की तरफ से और ग्रैंड थॉमसन टाइटंस की तरफ से, तो मैंने यहाँ पर पेसर जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं दोनों टीमों के मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं करा। अभी अगर जूनियर डाला खेलते हैं तो मैं इनको ऐड कर लूँगा, मैंने यही सोच के टीम बनाया कि जूनियर डाला नहीं खेल रहे, तो कॉर्बिन बॉश और आल्फ्रेड मोथवा दोनों को मैंने ऐड करा है। यहाँ से पोर्टगाइटर हैं और एल्ड्रेड हॉकिन को ज़रा गौर देना, ये पहले टाइटंस की टीम के होकर खेलते थे, आखिरी मैच में भी उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए हैं, अच्छे फॉर्म पर हैं। आखिरी हेड टू हेड मैच में 2 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं, आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था पिछला जो मैच वहाँ पर उन्होंने 4 विकेट निकाला था। फंगीसो को सिर्फ सेफ रहने के लिए रखा है, बाकी तो इनके मुझे नहीं लगता उतना अच्छा रोल बनना चाहिए कल के मैच में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है आपके पास जिनको आप ट्राई कर सकते हो, और वो है
डिएगो रोसियर लेग स्पिनर का ऑप्शन भी दे देंगे, बाकी बैटिंग से उन्होंने ऑलरेडी शतक लगाया हुआ है वो पता ही होगा। बैट्समैनों में से मैंने सेफेस्ट तीन प्लेयर्स को लिया है, मार्करम, इलगार, टेनो डिजर्सी, क्योंकि मेरे को टॉप थ्री में से बेसिकली टारगेट करना है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर एक भी बंदा जल्दी आउट हो जाता है तो आपके पास बैटिंग के ऑप्शंस कम होते रहेंगे। तो बड़ी लीग जब खेलोगे ना, कम से कम तीन में से दोनों को लेकर चलना और थोड़ा सा नीचे तक जाना। यहाँ पर भी आपके पास ग्रैंड थॉमसन का ऑप्शन आ जाएगा, इनको आप आसानी से ले सकते हो। पेस बॉलिंग का ऑप्शन भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। स्मॉल लीग है इसीलिए रीजा हेनरीज को मैंने ड्रॉप नहीं करा, और वैसे भी जिस तरह की बॉलिंग चल रही है टाइटंस की, वहाँ पर तो इनको ड्रॉप करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने रखा हुआ है। बड़ी लीग में अगर आपको लगता है कि फिर से ये चीज़ रिपीट करेगा तो आप रीजा हेनरीज को ड्रॉप कर सकते हो। वैसे भी कल के मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, तो अगर खेलते हैं तो रीजा हेनरीज को ड्रॉप कर सकते हो, और यहाँ से आराम से आप निकी वैंडनबर्ग को ले सकते हो, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। या फिर अगर आप नीचे से देखना चाहते हो तो लूपबे को ले सकते हो, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर दिख रहे हैं। जो भी करना, देखो ये फिक्सचर ये कह रहा है कि रन्स काफ़ी बनते हैं, तो बैट्समैन को बिल्कुल भी अंडरस्टेट तो करना नहीं है, वो आप करोगे भी नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पिच, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरते हैं, तो स्ट्राइक बॉलर्स को बिल्कुल भी अंडरस्टेट नहीं करना, ठीक है। चाहे आप शुरुआती ओवर्स के लिए रखो या फिर डेथ ओवर्स के लिए, ये आपको कल के मैच में कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स कलर करके देंगे ही। और हो सकता है किसी जिस बैट्समैन के लिए आप किसी बॉलर को अंडरस्टेट कर दो, वही बॉलर आपको तीन या चार विकेट निकाल के दे आखिरी ओवर में, और मतलब मैच को आपसे छीन के लेके जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी बैट्समैनों में से स्मॉल लीग में तो आप सेफ प्लेयर के साथ ही जाओगे, और स्पिनर्स में से आरन फंगीसो के सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हाई हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उन पर रिस्क ले सकते हो कि पिच पे स्पिनर्स का उतना अच्छा कुछ रोल नहीं है। और आपके लिए मैंने कुछ बड़े बड़े पंट्स के भी बात बताए हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। याद रखना टूर्नामेंट काफ़ी अंत तक आ चुका है, और बहस 6 या 7 मैचेस ही बाकी हैं, इसके बाद टूर्नामेंट ख़त्म भी हो जाएगा, तो थोड़े बहुत रिस्क तो आपको इधर उधर लेने ही पड़ेंगे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बनाओगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में प्रिंट कमेंट में जो होगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो टीम सॉर्विन टेलीग्राम पे, जहाँ पे 60K के आसपास कोई सब्सक्राइबर्स होंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आए तो वहाँ पर आएगा, और स्मॉल लीग की टीम भी वहाँ पर शेयर होती है फ्री में, तो ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।